जैन स्टूडेंट्स, एनडीए के एग्जाम को देखते हुए और बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम एक स्पेशल वीडियो लाए हैं जो अगस्त के करंट अफेयर्स पे फोकस करेगा। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, इंडिया फर्स्ट स्मॉग टावर कहाँ लगा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो इंडिया का जो पहला स्मॉग टावर है ना, वो दिल्ली में लग चुका है। मॉनसून तक हम रुके हुए थे, जैसे ही मॉनसून अब एंड हो जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। 20 करोड़ के अंदर इसकी लागत आई है और इसको बनाया गया था IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के द्वारा। तो मेनली इसका जो ये जो बनाया गया है, ये स्मॉग को हटाने के लिए बनाया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे सक्सेसफुल होता रहेगा तो और भी स्मॉग टावर लगते रहेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है। सेकेंड, अगस्त मंथ में ही ला गणेशन को मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया था। और किसके द्वारा अपॉइंटमेंट हुई थी? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर का गवर्नर अपॉइंट करा था। फिर आपको इसमें स्टैटिक जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है, वहाँ के CM है एन बीरेन सिंह। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल। लेक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, चाहे CDS का एग्जाम हो, FCAT का, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप पास्ट ईयर पेपर में भी देख सकते हैं। तो लोकटक लेक कहाँ पर है? लोकटक लेक है हमारे मणिपुर में। और वहाँ एक और रिवर है बराक, जो जाके आगे ब्रह्मपुत्र में जुड़ जाती है। फिर वहाँ फेस्टिवल जो होते हैं वो आप पढ़ लो, यशोसंग, ठीक है। और नेशनल पार्क कौन सा है वहाँ? केबुल लामजो नेशनल पार्क। और भी नेशनल पार्क हैं, पर ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट, अभी जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वाला इशू हुआ था तो इंडिया के बहुत सारे लोग फंस गए थे, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवशक्ति, जिसके द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेज ने वहाँ के लोगों को इंडियन लोगों को रेस्क्यू करा और वापस इंडिया में लेके आए। तो जो ऑपरेशन देवशक्ति है, ये स्ट्रैंडेड इंडियंस के लिए था और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए चलाया गया था। कब? जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद एज पर द कुशमैन एंड वेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के हिसाब से जो फर्स्ट कंट्री है जहां पर सब कंट्रियां मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, तो पहली रैंक पे है चाइना, सेकंड रैंक पे है इंडिया। अब क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं, पर उसी की वजह से वहाँ पर लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ये सब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रेफर करते हैं किसी डेवलपिंग कंट्री में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसीलिए चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है। फिर द ईयर 2022, तो 2022 में 30th एनिवर्सरी है इंडिया को ASEAN ज्वाइन करे हुए। तो ASEAN में 10 मेंबर कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया की हैं, जिसमें इंडिया मेंबर तो नहीं है, पर इंडिया एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो इंडिया क्या है? सेक्टोरल पार्टनर है। अब इसमें आपको देखो, आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हो सकता है ये ना आए कि 30वीं एनिवर्सरी है, हो सकता है सिर्फ आपका क्या आ जाए, ASEAN का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ASEAN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसमें 10 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, वो इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो कभी कभी क्या होता है, जो करंट की न्यूज होती है उससे ना पूछ के थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पूछ लेते हैं, जिससे आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ASEAN 2022 में हमको हो जाएंगे 30 साल, क्योंकि 1992 में हमने ASEAN के साथ पार्टनरशिप करी थी। कब बना था? 8 अगस्त 1967 को, हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ये भी याद रखना है। और सेक्रेटरी है HE डांटो लिम जोंग हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो नाम बड़ा सा दिखे थोड़ा वो मार्क कर देना ASEAN में। फिर नेक्स्ट, फोर्थ सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के हिसाब से जो न्यू दिल्ली है और मुंबई है, ये इसमें अपनी जगह बना ली है 60 टॉप में। तो न्यू दिल्ली की रैंक है 48 और मुंबई की रैंक है 50 एज पर फोर्थ सेफ सिटी इंडेक्स 2021, जिसमें टॉप किसने करा है? डेनमार्क ने। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन और ये वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है। फिर पाकिस्तान, अब ये देख लो, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फतेह वन, तो इन्होंने मिसाइल का टेस्ट फायर करी थी और ये सक्सेसफुल हो गई है। तो फतेह वन क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। तो कभी कभी क्या होता है, इससे ना पूछ के आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर 25th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार, आपका डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सरसाइज के ऊपर बने, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी एक्सरसाइज कर रही हैं अगस्त की हो रही हैं, बाद में एक और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज कवर होंगी आर्म फोर्सेज की।
तो जो 25th एडिशन है ना मालाबार एक्सरसाइज, उसमें किसकी नेवीज ने पार्ट लिया? इंडिया, यूएसए एंड जापान। अब ये तो तीन मेन कंट्रीज थी जो मालाबार एक्सरसाइज हर बार कंडक्ट करती हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया भी आ गई थी, तो चारों कंट्रीज मिलके क्वाड का मेंबर बन जाता है। अब ये क्वाड क्या है? क्वाड चार कंट्रीज हैं जो मिलकर टक्कर देती हैं चाइना को साउथ चाइना सी में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज। और इसमें कौन सी शिप ने पार्ट लिया था? तो INS शिवालिक ने। कभी कभी शिप के बारे में पूछ लेते हैं, इसलिए मेंशन कर दिया है। जो चीजें हाईलाइट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो UN भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेट करती है। ऐसे ही SDG गोल सेट हुए थे कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं हमारे, उनके लिए सेट करे गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें रैंकिंग दी गई थी, जिसमें जो ईस्ट सिक्किम है उसने ये लिस्ट टॉप करी है। आपको याद रखना है ये लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है? तो नीति आयोग 2015 में बना था जब NDA की सरकार आई थी। उससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था 1950 से। तो पहले प्लानिंग कमीशन हमारे 5-year प्लान्स बनाया करता था, फिर उसको रिप्लेस करके हमने क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया गया था। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसके अगर पूछा गया कि इनका इसका चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, तो नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी हो गए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये लिखे हैं इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। इसका ऑब्जेक्टिव हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग है इसका स्टेट की मदद से। तो एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें आपको भले ही कंपनी का नाम याद ना रहे, आपको याद रखना है कि मालदीव्स ने रिसेंटली 530 मिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन करा है, और वो किसके लिए है? ये माले है, तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये आ सकता है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है, या फिर आपका स्टैटिक पोर्शन आ सकता है कि मालदीव्स की कैपिटल क्या है। तो मालदीव्स की कैपिटल हो गई माले, और करेंसी चलती है वहाँ रुफिया, और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। उसके बाद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव। तो आपको यूनियन मिनिस्टर भी पता होने चाहिए, ठीक है? कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर हैं आपको पता होने चाहिए। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है श्रम पोर्टल, और ये लॉन्च करी गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जितने भी लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये लॉन्च करी गई है, और इसमें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे इस पोर्टल के ऊपर। अगस्त के महीने में ही हमारे एक और गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था, और बनवारी लाल पुरोहित को एडिशनल चार्ज दे दिया गया था, पहले पंजाब के बाद चंडीगढ़ का। तो अब वो दो जगह के गवर्नर हैं, और पहले ये तमिलनाडु के थे। तो तमिलनाडु के अब बन गए हैं RN रवि, और इनको किसका कार्यभार संभालने को मिल गया? पंजाब का और चंडीगढ़ का। तो इससे आप एक और चीज समझ सकते हो कि एक ही जो गवर्नर होता है वो दो स्टेट, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, तो मल्टीपल स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी को वो गवर्न कर सकता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका जब आपका असर्टेशन में क्वेश्चन आता है। फिर सतलज एंड ब्यास फ्लो फ्रॉम पंजाब, और कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो एक जगह है हरी के वेटलैंड, ठीक है? हरी के वेटलैंड में आपका सतलज और ब्यास मिल जाता है। तो सतलज और ब्यास हरी के वेटलैंड में मिलती है, और जहां ये मिलती है वो एक रामसर साइट है, वो एक रामसर साइट है। तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जहां ये मिलती है वो एक रामसर साइट है। तो रामसर साइट कुछ नहीं, वेटलैंड्स होते हैं जहां पर आपका पानी जमा होता है, तो प्लस वहां पर मार्श होता है, थोड़ा कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स वहां विजिट करती हैं, और ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोस्ट गार्ड के लिए एक वेसल ऑफ शोर पेट्रोल वेसल लॉन्च करी गई, जिसका नाम क्या है? विग्रह उसका नाम है। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने, जो लार्सन एंड टर्बो है, उसने ये डिजाइन करी है। तो इट इज द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड लार्सन एंड टर्बो हैज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड अ OPV। नेक्स्ट, तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली डेडिकेट और रिनोवेट करवा दिया है जलियांवाला बाग स्मारक को अमृतसर में। अब इसमें हमें ये याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उसी को डेडिकेट करते हुए अब से 14 अगस्त को हर साल पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पे बनाया जाएगा। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं ना, उसमें ये जरूर लिख लेना। जैसे आपका जैवलिन डे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नया दिन बनाया जा रहा है ना, तो ये इसलिए नोट कर लेना।
अब नेक्स्ट इसमें देखो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस टाइम पे दो डायर थे, एक डायर तो जो माइकल फ्रांसिस ओ डायर थे वो हमारे कौन थे, सिविल सर्वेंट थे जिनको बना दिया गया था बाद में गवर्नर ऑफ पंजाब, और एक जो थे उन्होंने शूटिंग करी थी। तो हुआ क्या था, इन्होंने जो माइकल फ्रांसिस ओ डायर थे इन्होंने सपोर्ट कर दिया था दूसरे वाले डायर का जो आर डायर थे, इसको आप आर डायर से डिनोट कर देता हूं मैं। तो आर डायर ने शूटिंग करी थी और इन्होंने सपोर्ट कर दिया था कि उनका डिसीजन ठीक था, जिसकी वजह से बाद में उधम सिंह ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। तो जिसने शूटिंग करी थी उसकी हत्या नहीं हुई थी, जिन्होंने शूटिंग करवाई थी तो जो वहां के गवर्नर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, द इंडियन ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने अभी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, और इसमें हमें इतना तो याद नहीं रखना, बस नाम याद रख लेना स्टुअर्ट बिन्नी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आईसीसी है उसका हेडक्वार्टर्स क्या है, और ये एक पेपर में आपका बन भी रखा है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है दुबई यूएई, क्योंकि ज्यादातर क्या करेंगे, क्योंकि क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेंस है, या तो न्यू दिल्ली करके आ जाएंगे या इंडिया में से कोई इंपॉर्टेंट जगह मार्क करके आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो आईसीसी हो गया उसका आपका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में। फिर द 16th एडिशन ऑफ पैरालंपिक गेम्स अभी हुए, तो टोक्यो गेम्स का अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पहले ही वीडियो बन चुकी है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे छोटा सा पैरालंपिक गेम्स का। तो पैरालंपिक्स गेम में पहला इसलिए अवनी लेखरा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इनका मेडल आया, और इनका एक और शूटिंग में आया वो ब्रॉन्ज मेडल आया, तो इनके दो मेडल आए, प्लस ये फर्स्ट फीमेल थी जिनका गोल्ड आया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सुमित अंटिल जो थे उनका जैवलिन में आया, तो इनका भी गोल्ड आया, जैसे हमारा नॉर्मल ओलंपिक्स में किसका आया था, नीरज चोपड़ा का, पैरालंपिक्स में सुमित अंटिल का गोल्ड आया। और इसमें आपको याद रखना है मैस्कॉट कौन है, मैस्कॉट का नाम है सुमिटी। और फिर आपको याद रखना है जो टेकचंद है जो शॉट पुटर थे, तो ही वॉज द फ्लैग बेयरर इन द ओपनिंग सेरेमनी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और जैसे लास्ट टाइम टोक्यो वाली वीडियो में करवाया था कौन से नए गेम ऐड हुए थे, तो इसमें भी टोटल 22 स्पोर्ट्स थे जिसके अंदर टाइकोंडो ने डिब्यूट करा था, फर्स्ट टाइम टाइकोंडो और बैडमिंटन को पैरालंपिक्स में जगह मिली थी। हरकंदे हलीचीमा, अब देखो आपको ये याद नहीं रखना, HH से याद रख लेना बस इतना। अब ये देखो जहाँ पर नए प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी कंट्री में विजिट करते हैं, तो जनरली कंट्री स्पेसिफिक या फिर करेंसी से जो क्वेश्चन बनता है ना वो उन्हीं कंट्री से ज़्यादातर बनता है। आपको याद रखना है कि जाम्बिया में नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो हमें इससे क्या याद रखना है कि जाम्बिया की कैपिटल हो गई लुसाका और करेंसी हो गई जाम्बियन क्वाचा, तो आपको ये सब याद रखना है। फिर इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल जीनोम चिप विद द नेम इंडिगाओ हैज़ बीन लॉन्च्ड। अब इसमें जो हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो उसको सेव कर दिया जाएगा काउस का जो अच्छी ब्रीड की होंगी, जिससे आगे जाके उनसे ही उसी जो जीन है उसी से ब्रीडिंग कराई जाए, जिसकी वजह से जो हमारे कैटल हर्डर्स हैं उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। तो इसी वजह से इंडिगाओ नाम का एक कैटल जीनोम चिप चलाई है, और किसने स्टार्ट करी थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो ये मिनिस्टर है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन एक्सरसाइज इंदिरा 2021, अब बायलेटरल एक्सरसाइज, बायलेटरल का मतलब टू, ट्राइलेटरल का मतलब होता है तीन, वैसे ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, किसके बीच में, रशिया और इंडियन आर्मी के बीच में ये हुई थी। अब इसमें ये याद रखना है 2003 से ये स्टार्ट हो गई थी, और ये इस बार कहाँ पर हुई, इस बार ये हो गई थी रशिया में, इसने ये जो एक्सरसाइज थी रशिया में हुई। फिर आपको याद रखना है ब्रिटिश कंपनी हाउस एंड फ्रेश, अब इस कंपनी ने एक लिस्ट निकाली जिसमें इसने बताया कि पोल्यूशन के हिसाब से कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है और कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा क्लीन है। तो जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है वो है चाइना की हॉटन सिटी, और जो सेकंड नंबर पे है वो इंडिया की गाजियाबाद है। ऐसी जो क्लीनेस्ट सिटी है पूरी दुनिया में वो हो गई आपकी जूडबरी, और वो है ऑस्ट्रेलिया में। देन भारत डायनेमिक लिमिट्स लिमिटेड एंड MBDA, a European based missile manufacturer, signed an agreement to establish a facility for the final assessment of and integration of test. तो FIAT का full form क्या है, इसका full form है final assembly integration and test, और ASRAM का full form है advanced short range air to air missile. तो ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको इसके शॉर्ट फॉर्म, और ये याद रख लेना इंडिया ने पार्टनरशिप किसके साथ करी है, यूरोप के साथ पार्टनरशिप करी है मिसाइल्स के लिए जो इंफ्रारेड के द्वारा गाइडेड होंगी।
Then the WHO, World Health Organization, has created a new advisory group, the International Scientific Advisory Group of Origin of Novel Pathogen. तो ये COVID-19 की स्टडी के लिए हुआ था और इसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया है वो सागो दिया है. और एक बार आपके IB के पेपर में क्वेश्चन आया था कि सागो क्या होता है, तो साबुत दाने को ही सागो कहते हैं. तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रखा था कि सागो का मतलब क्या होता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इसमें इंक्लूड कर दिया है. अब आपको याद रखना है जो WHO है उसकी फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948. ये एक अलग से लिस्ट बनाते चलना जहां पर आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट उनका फॉर्मेशन कहाँ है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है. जैसे WHO का हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा स्विट्जरलैंड, फिर डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस अधानोम थे. फिर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये आती है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉरपोरेशन. ठीक है, तो UNESC के अंडर ये आता है. तो अ जॉइंट, तो नेक्स्ट देखिए, अ जॉइंट गाइडेंस फॉर ऑस्ट्रेलियन इंडियन नेवी टू नेवी रिलेशनशिप. तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेवल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई है. तो अगर क्वेश्चन आया 2020 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके बीच में है, तो वो है आपके ऑस्ट्रेलियन और इंडियन नेवी के बीच में. और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी ऐसी बनाना, सिर्फ आपको नोट कितना करना है 2020 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसके आगे लिख लेना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और ब्रैकेट में नेवी. ऐसे करके आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे. और लास्ट में जब पेपर होने वाला होगा तब आप वीडियो में ना जाके अपने नोट्स को रिफर करना, क्योंकि वो आप जल्दी से रिवाइज कर पाओगे. देन द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA विच अलाउज मिलिट्री ऑफ टू कंट्रीज टू यूज ईच अदर बेसिस वॉज ऑल्सो साइंड. तो अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे के नेवल बेस यूज कर पाएगा. देन इंडिया रैंक सेकेंड इन, ये हम क्रिप्टो के बारे में है. तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनमें क्रिप्टो का बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि क्रिप्टो एक तो होता है डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, तो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती. तो जब कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर कभी कभी लोगों को लगने जाता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उनके पैसे को कंट्रोल कर रही है, तो वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से देखा गया कि इंडिया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर सेकेंड रैंक पर आ रखा है, जबकि इंडिया में अभी वो लीगल नहीं है, वो एक ग्रे एरिया है, ना तो वो लीगल है ना इलीगल है. तो वियतनाम ने तो टॉप करा, तो फर्स्ट कौन है इसमें, वियतनाम है, सेकंड इंडिया है और थर्ड पाकिस्तान है. तो तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं और क्रिप्टो यूसेज के मामले में तीनों ही टॉप पे हैं. एक और चीज याद रखनी है, कौन सी कंट्री ने अपना कौन सी कंट्री ने क्रिप्टो को अपना एक लीगल टेंडर बना दिया. तो एल सेल्वेडोर बिटकॉइन एक्सेप्ट करने लग गई है, तो एल सेल्वेडोर ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया एज अ लीगल टेंडर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मनी रिप्लेस हो जाएगा, मनी की जगह वहां पहले वो US डॉलर यूज करते थे, अब वो बिटकॉइन भी यूज करेंगे, जिसकी वजह से वहां बिटकॉइन ATMs भी लग चुके हैं. देन द वर्ल्ड बैंक एंड इट्स पार्टनर्स हैज अनाउंस्ड अ न्यू ग्लोबल फंड फॉर साइबर सिक्योरिटी नेम साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड. और इसमें आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है Washington DC, जिसमें DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया. देन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज डेविड मलापास. ये फाउंड हुआ था जुलाई 1994 को ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद, और न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में फाउंड हुआ था. इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी. तो जैसे अगर किसी कंट्री को कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन के लिए है या सैनिटेशन के लिए है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक बहुत छोटे से इंटरेस्ट लोन पे प्रोवाइड कर देता है अच्छे खासे पैसे, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके. तो इसका मेन एम पॉवर्टी को होता है. इंडिया को भी अच्छा खासा लोन मिल जाता है यहाँ से, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ना के बराबर होता है, और टाइमिंग बहुत होता है जिसमें आप आराम से चुका सकते हो लोन. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिविक्स से, तो भले ही है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, पर ये आपका हिस्ट्री में जो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है एक छोटा सा पार्ट पॉलिटी का, उसमें ही आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन वाला कि 127 जो अमेंडमेंट था वो पास होके अब 105 अमेंडमेंट बिल हो गया है. ठीक है, पहले तो ये बिल था, अब ये क्या बन गया, एक्ट. तो आपको ये याद रखना है, जब एक प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव होता है बिल, जब उसको पार्लियामेंट पास कर देती है वो बन जाता है एक्ट. तो 127 नंबर तो इसका बिल का था, पास होने के बाद ये एक्ट बन गया 105वां, जिसमें दे रखा है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड दस रिस्टोर देयर स्टेट ऑफ पावर एंड मेकिंग देयर ओन OBC लिस्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से OBC लिस्ट बनाने की पावर थोड़ी सी छीन ली थी, तो वापस वो रिस्टोर हो गई है. देने कुछ और इंपॉर्टेंट आपके
अमेंडमेंट्स हैं। अब देखो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो रीसेंट अमेंडमेंट आपके कौन से थे, तो इसमें सारे लिख दिए 100, 101, आपका 102, 103, 104, तो ये अभी अभी में पास हुए इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें भी आपको थोड़े से ही पढ़ने होते हैं, सारे नहीं पढ़ने होते। तो जो 100वां अमेंडमेंट है वो चेंज कर देता है हमारे फर्स्ट शेड्यूल को, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो कुछ टेरिटरीज थी वो एक्सचेंज हुई थी, और हमारे पहले शेड्यूल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उसमें उसके हिसाब से हम किसी को अपने स्टेट्स की बाउंड्री नहीं पास कर सकते, तो इस वजह से इसमें चेंज हुआ। देन 101 बोलता है जीएसटी के बारे में, ये क्वेश्चन तो 2-3 बार बन भी चुका है पेपरों में कि जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आता है, तो 101 अमेंडमेंट में। 102 में आता है, सिर्फ इतना याद रख लो, ओबीसी के स्टेटस के बारे में दे रखा है। 103 में क्या दे रखा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिलेगी, वो 103 में है। 104 में है आपका, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका जो एंग्लो इंडियन सीट्स का प्रावधान था लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में वो हटा दिया गया था, तो लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में से एंग्लो इंडियन की जो सीट रिजर्व थी वो हटा दी। और दूसरा, इसमें एससी और एसटी क्लास के लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन थी पहले 70 साल के लिए, उसको कितना कर दिया, 80 साल कर दिया, तो 10 साल और बढ़ा दिया। द एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड $500 मिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड मेट्रो रेल, तो एडीबी ने लोन दिया है मेट्रो रेल के लिए, किसको दिया है, बैंगलोर कर्नाटका को। तो अभी बहुत सारी मेट्रो रेल डेवलप हो रही है, जिसमें से आपको दो का इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो बैंगलोर में आप ये याद रखना कि बैंगलोर में एडीबी ने फंड करा इसको। देन एडीबी का जो हेडक्वार्टर्स है वो है मंडालोयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट है मासासुकु असाकावा। फाउंड हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। मेंबर कंट्री 68 और एडीबी का मोटो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर लेना। देन द सुप्रीम हेड ऑफ मलेशिया हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस्माइल सबरी याकूब एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज रिप्लेस्ड मोहियुद्दीन यासिन। तो यहाँ के आपके जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चेंज हो गए हैं। आपको मलेशिया में याद रख लेना, कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी चलती है मलेशियन रिंगित। देन आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, अब इंश्योरेंस कंपनीज में गवर्नमेंट ने एक छोटा सा चेंज करा है कि जो 51% शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट था कि अगर 51% आपके सेंट्रल के पास है तो वो सेंट्रलाइज्ड मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो चेंज हो गया है। और कौन सा सेक्शन चेंज होगा उसमें, सेक्शन 10B। ये वैसे बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप बस थोड़ा सा याद रख लेना कि इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा सा चेंज आया है। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 8-member कमेटी फॉर डबलिंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वाड्रपलिंग। तो ये तो डबल क्या करना है, प्रोडक्शन, और 4 गुना करना है उनके एक्सपोर्ट को। अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल है उसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो है पीयूष गोयल, और उद्योग भवन हेडक्वार्टर है जो है हमारा नई दिल्ली में। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, पूरी भले ही आपको न्यूज़ याद नहीं रखनी पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देन महात्मा गांधी द फर्स्ट इंडियन वॉज पोस्टमसली रिसीव्ड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। तो इनको पोस्टमसली मिला, मतलब मरणोपरांत इनको अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इनको यूनाइटेड स्टेट्स का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड मरणोपरांत मिला है। आज की डेट जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। देन अकॉर्डिंग टू हरुण ग्लोबल 500 लिस्ट, जो 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं, इसमें इंडिया की जो 12 कंपनीज हैं उसमें से टॉप करा रिलायंस इंडस्ट्री ने, जहां उसकी रैंक 57 है। प्लस इसमें जो पहली कंपनी है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड वो है एप्पल, जो सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल है वो है माइक्रोसॉफ्ट, और जो थर्ड है वो है आपकी Alphabet.inc. तो ये आपकी 3 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं। देन द फर्स्ट डिप्टी नेशनल एडवाइजर मीटिंग टुक प्लेस हुई थी, तो दैट वाज इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो मीटिंग हुई थी, जहां पर हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है। तो पंकज सहारन क्या है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, कोलंबो में। देन सिडबी हैज कोलैबोरेटेड, अब देखो ये न्यूज़ आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जो सिडबी है, सिडबी का मतलब क्या होता है, सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बैंक है तो जिसका आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, जैसे नबार्ड हो गया,
जैसे आईसीआईसीआई हो गया। तो ये कुछ ऐसे बैंक है जिसके बारे में आपको भले डिटेल में ना पता हो पर इतना पता होना चाहिए, जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। ऐसे ही जो हमारा सिडबी है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये किस लिए काम करता है? ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को करता है। तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए ये काम करता है। और जो मुद्रा बैंक है वो भी इसके अंडर ही बनता है। तो जो मुद्रा बैंक है वो सिडबी के अंदर ही बनता है। देन इसमें आपको ये याद रखना है कि सिडबी फाउंड हुआ था 1990 में, सिडबी का हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में। तो पूरी न्यूज में आपको मेन सिडबी याद रखना है। देन नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड एन एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ $300 मिलियन और ये पैसे दिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार को रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। इस वाली न्यूज में आपको क्या याद रखना है? साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहली बार आपको पेटेंट दे दिया गया है। और सबसे पहले किसको मिला है? एक एआई बेस्ड डाबूस कंपनी है जो एआई बेस्ड इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम फॉर फूड प्रोसेसिंग बनाती है। तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री टू गिव पेटेंट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आपको कौन सी कंपनी का नाम याद रखना है? डाबूस, जो क्या करती है? इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो अगर कुछ गलती हो जाती होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लग जाता होगा इसमें, उस बेसिस पे इनको मिल गया होगा पेटेंट। देन नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर द कैबिनेट ACC हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ राजीव गाबा। और ये राजीव गाबा कौन है? ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो सिविल सर्विसेज होता है उसकी सबसे सीनियर मोस्ट रैंक होती है और इसकी जो टर्म होती है सर्विस की वो 4 साल होती है। देन द कोलैटरल फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, तो SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। और किसको मिला है? अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आपके एग्जाम का पार्ट बन जाती है। तो DNRLM का फुल फॉर्म है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बाकी इसमें 20 लाख भले ही आप याद ना रखो, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है ये प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट, देखो, मेडन नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंद 2021 टुक प्लेस। अब ये मेडन है तो मतलब पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। और ये एक्सरसाइज में कौन सी दो कंट्रीज ने पार्ट लिया है? एक तो इंडिया ने और सऊदी अरेबिया ने, सऊदी अरेबिया की नेवी ने। इसमें जो हमारी तरफ से जो शिप गई थी वो गई थी INS कोचिन। इंडियन नेवी ऑल्सो डिप्लॉयड INS शिवालिक एंड INS कदमत, जिसमें से INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो ये सारी शिप्स गई थी उसमें पार्ट लेने के लिए। द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ G20। अब इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि G20 की फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई जिसमें G20 रिसर्च मिनिस्टर ने पार्ट लिया। हाइब्रिड मोड में हुई, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में हुई। कहाँ पर हुई है? इटली में। ठीक है, इसके अंदर इंडियन साइड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सुभाष सरकार। नेक्स्ट, द RBI हैज रोप्ड। अब देखो, जितने भी हमारे ओलंपिक प्लेयर्स हैं सबको एडवर्टीजमेंट मिली, ब्रांड एंडोर्समेंट मिले। तो उसमें आपको दो नाम बहुत ज़रूरी याद रखने हैं, नाम तो और भी हैं। नीरज चोपड़ा को RBI ने अपनी तरफ से एडवर्टीजमेंट के लिए रखा, और जिसमें उसका मेन पर्पज़ क्या था? पब्लिक अवेयरनेस को फैलाना और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स को कम करना। नेक्स्ट, ऐसे ही मीराबाई चानू को जो ब्रांड एंडोर्समेंट मिली वो मिली एमवे इंडिया की, जो जनरली प्रोडक्ट किसके बनाती है? जनरल लाइफस्टाइल के, एमवे प्लस न्यूट्रलाइट। तो ये दोनों ब्रांड डील्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे विराट कोहली की प्यूमा के साथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड डील है। देन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स MHA नित्यानंद राय स्टार्टेड द पार्लियामेंट दैट स्टेटेड इन द पार्लियामेंट दैट द 16 इंडियन सेंसस विल बी कंडक्टेड फर्स्ट डिजिटल सेंसस। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का जो 16वां सेंसस होगा तो पहली बार डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। इससे पहले कितने सेंसस हो गए? मतलब इससे पहले 15 सेंसस हो चुके हैं। फिर आपको इसमें याद रखना है, इसको कंडक्ट करा जाएगा 18 लैंग्वेजेस में। तो ये उसमें आ सकता है, इसमें चार स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। तो इसके में तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 16वां सेंसस हो रहा है, पहली बार डिजिटल हो रहा है, कौन करा रहा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के अंडर हो रहा है। फिर आपको याद रखना है, पहली बार इसमें ये भी याद रखना है कि 2011 में इससे पहले सेंसस हुआ था, तो 2021 में 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद ये सेंसस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन ये भी आप पढ़ लेना, व्हाइल इट हैज बीन अंडरटेकन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इट वाज फर्स्ट बिगन इन 1872 अंडर वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट कराया था, पर जो
ये एक स्पेसिफिक जगह का था, पर जो कंप्लीट सेंसस शुरू हुआ था ना, द कंप्लीट सेंसस स्टार्टेड फ्रॉम 1881. द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज डिक्लेयर्ड इंदौर एज अ फर्स्ट स्वच्छ सर्टिफिकेशन, स्वच्छ भारत वाटर प्लस सिटी. तो आपको याद रखना है बस, जो वाटर प्लस सिटी थी ना वो इंदौर है. और ये दी क्यों जाती है, क्योंकि मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन रिवर्स एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रेनेज, तो नदियां वगैरह साफ रखी, तालाब, इसकी वजह से ये वाटर प्लस सिटी है. देन अब से आरबीआई ने एक नया लॉ बनाया है कि अगर आपके एटीएम, अगर किसी बैंक ने एटीएम के अंदर कैश नहीं रखा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी. उसी के ऊपर ये करंट अफेयर है. आरबीआई विल इशू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 पर एटीएम फॉर बैंक्स फॉर कैश आउट. तो अगर बैंक में कैश आउट है मोर देन 10 आवर्स तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी. अभी ये लागू होगा धीरे धीरे करके. देन डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया ITCM इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल विद अ न्यू मेड इन इंडिया टर्बोफैन. तो आपको याद रखना है, मेड इन इंडिया जो टर्बोफैन है उसका नाम है मानिक, ये आ सकता है. प्लस ये भी आ सकता है, जहां पर जो टेस्ट रेंज है इंडिया की, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वो कहां पर है, तो वो है हमारी ओडिशा में चंडीपुर में. देन द डीआरडीओ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड कौन हो गए, जी सतीश रेड्डी. और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है HQ हो गया आपका न्यू दिल्ली, HQ है इसका न्यू दिल्ली. देन इंग्लैंड फास्ट बॉलर जिम एंडरसन ओवरटुक इंडियाज अनिल कुंबले टैली ऑफ विकेट, तो 619 को पार कर दिया एंड बिकेम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट. श्रीलंकन मुथैया मुरलीधरन 800 स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट विकेट टेकर. तो अगर क्वेश्चन आया सबसे ज्यादा विकेट किसने ले रखे हैं, तो मुरलीधरन ने ले रखे हैं टेस्ट क्रिकेट में. आपको ये भी याद रखना है, T20 वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना. देने कुछ बुक है, इसमें ज्यादा बुक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस मंथ की 3-4 बुक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो उसी में से इंडिया की जो नॉवलिस्ट है अनुराधा रॉय, तो अनुराधा रॉय ने एक न्यू बुक लिखी जिसका नाम है अर्थ स्पिनर. इससे पहले जो इनकी फर्स्ट बुक थी वो थी एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग. दोनों बुक का नाम याद रख लेना, अर्थ स्पिनर का भी और इम्पॉसिबल लॉन्गिंग का भी. देन इन ऑगस्ट 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अनाउंस्ड 4 मोर वेटलैंड्स. ठीक है, तो 4 वेटलैंड्स ऐड कर दिए हैं रामसर कन्वेंशन में. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसे, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. 4 नए रामसर साइट ऐड हो गए हैं, जिसके बाद ये रामसर साइट कितने बन गए, 46. पहले थे 42, अब ये नंबर हो गया है 46, जिसमें से पहली बार हरियाणा का कोई रामसर साइट में ऐड हुआ है वेटलैंड. तो उनके नाम है थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, वंधावा वेटलैंड गुजरात, सुल्तानपुर जो पहले बर्ड सेंचुरी थी और नेशनल पार्क भी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव हरियाणा, और भिनवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर हरियाणा. इसमें याद रखना था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिटेड तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान विजिट करा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ SCO मीटिंग्स के लिए. तो वहां पर पीस मिशन 2021 के ऊपर बात हुई. तो अगर पीस मिशन 2021 आया तो याद रखना SCO में डिस्कस हुआ था. कंट्रीज कौन सी है इसमें, रशिया और इंडिया. देन 2021 वॉज डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ SCO कल्चर, और फकरो एयरबेस इन तजाकिस्तान ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयर फोर्सेस. तो इंडियन एयर फोर्स का ये वाला जो बेस है फरकोर बेस जो तजाकिस्तान में है, वह इंडियन जो एयर फोर्स है वो उसे ऑपरेट कर सकती है, इसकी परमिशन मिल गई थी. तो इट इज़ ऑल्सो द इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने पहली बार फर्स्ट कॉमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च करा है, जिसका नाम क्या है, आप नाम नोट कर लेना, यूटिलसैट क्वांटम. और नेक्स्ट, कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, तो ये पहला स्टेट बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन दे दिया है. कौन सा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया गया है इसको. नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन अंडर द इंडियाज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम. तो क्राइम ट्रैक करने के लिए हरियाणा को फर्स्ट पोजीशन मिली है, सेकेंड पोजीशन गोज टू गुजरात, और तीसरी पोजीशन हिमाचल प्रदेश को मिली है. तो ई गवर्नेंस के अंडर ये बनाए गए हैं. देन द एक्सटेंडेड 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी held in China during the session 34 properties were inscribed in UNESCO heritage list. तो इसमें से इंडिया की जो दो साइट्स हैं फ्रॉम इंडिया, 2 साइट्स वर न्यूली एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो हेरिटेज लिस्ट में 2 साइट ऐड हो गई, इंपॉर्टेंट है, ककाटिया टेम्पल रुद्रेश्वर टेम्पल इन तेलंगाना, और दूसरा धोलावीरा जो आपका गुजरात में है. तो ये दोनों साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो कि जो आपका एक नेशनल पार्क को हटा दिया गया, उस नेशनल पार्क का नाम क्या था, सलोंगा नेशनल पार्क कॉन्गो में, उसको हटाने के बाद रोजिया मोंटेना माइनिंग को ऐड कर दिया गया था इस लिस्ट में. आपको मेन इंडिया का याद रखना है कि एक तो ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल और दूसरा धोलावीरा को ऐड कर दिया गया है यूनेस्को साइट में.
नेक्स्ट फोन पे लॉन्चेस यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी फॉर म्यूचुअल फंड। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, एक आदमी थोड़ा सा फंड लेके अलग अलग उसे डाइवर्स कर देता है, तो फोन पे म्यूचुअल फंड में एंटर कर लिया है। देन द फर्स्ट G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग 2021 हेल्ड इन रोम इटली, और इंडिया इसका मेंबर है G20 का। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड दीपक दास एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसे CAG से कंफ्यूज मत कर देना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ऑडिटर नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट्स का है। तो दीपक दास है CGA, इसे CAG से कंफ्यूज नहीं करना। देन प्राइम मिनिस्टर हैज वर्चुअली लॉन्च्ड ई रूपी टू स्ट्रेंथन द DBT, द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उससे जो पैसे आता है DBT के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ई रूपी किसके अंडर आता है, तो NPCI के अंडर आता है। तो UPI का जो सिस्टम होता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। देन द चीफ सीनियर जनरल मिन ऑंग लियांग द चीफ मिनिस्टर ऑफ म्यांमार मिलिट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने वहां पर एक कूप हुई थी जहां पर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था कंट्री को, और जो आर्मी के जो जनरल थे वो अब क्या बन गए हैं, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर म्यांमार के। म्यांमार की कैपिटल है नाइपीताओ और करेंसी चलती है म्यांमार क्यात। देन यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया है हार्पून मिसाइल्स, हार्पून ज्वाइंट कमीशन टेस्ट सेट को, और हार्पून एक मिसाइल है जो एंटी शिप मिसाइल है, मैन्युफैक्चर करती है कौन सी कंपनी, बोइंग। जैसे पहले पढ़ा था ADB ने पैसे दिए हैं बैंगलोर की मेट्रो बनाने के लिए, बैंगलोर के पास ही आपका जो पुणे है वहाँ पर मेट्रो बन रही है, तो ये इंडिया की लाइटेस्ट मेट्रो होगी। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो टीटानगर वैगन्स कंपनी है और इटली के साथ मिलके ये बनाया जा रहा है, जिसमें से जो पहले 3 ट्रेन है दैट विल बी मैन्युफैक्चर इन इटली, बाकी की इंडिया में बन जाएंगी। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, पुणे की जो मेट्रो है वो लाइटेस्ट है। देन रीन्यू पावर हैज साइंड MOU विद रैक बैंक डेटा सेंटर लिमिटेड टू इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर। आपको याद रखना है हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, 100% रिन्यूएबल है, और इसका नाम क्या है, रीन्यू पावर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका करंट अफेयर। जर्मनी बिकेम द 5th कंट्री टू ज्वाइन ISA। तो ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है अजय माथुर। मेनली उन कंट्रीज हैं जो सोलर एनर्जी में काम कर रही है, वो कंट्रीज हैं इंडिया ने फाउंड करा था, इंडिया और फ्रांस ने मिलके। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $250 मिलियंस लोन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक। ये आता है ड्रिप 2 के अंदर, जो डैम को रिनोवेट करने के लिए प्रोजेक्ट है। आप ड्रिप की फुल फॉर्म देख लेना, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक के बारे में प्रेसिडेंट आपके हो गए डेविड आर मेलापास, हेडक्वार्टर Washington DC USA। फिर इंडियाज फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आप मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो पहला इंडिजिनियसली मतलब इंडिया के अंदर ही पूरी तरीके से डेवलप हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम क्या है, INS विक्रांत हैज बीन लॉन्च्ड फॉर सी ट्रायल्स। तो इसके ट्रायल शुरू हो गए हैं कोच्चि केरला में। INS विक्रांत हैज बीन डिजाइन बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन इंडियन नेवी। तो पूरा इंडिया के अंदर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन बना रहा है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के बारे में यह है, उत्तराखंड ने लॉन्च कर दी है एक ऐप, जिस ऐप का नाम है भूकंप अलर्ट ऐप। इसके अलावा आपको उत्तराखंड के लिए याद रखना है जो गढ़तांग वैली है उसमें एक ब्रिज था जो तिब्बत की तरफ जाता था, वो ओपन हो गया है 59 ईयर्स के बाद। फिर इसमें याद रखना है आपको उत्तराखंड के बारे में ही कि यहां पर एक फन पार्क बनाया गया है। तो ऐसे कुछ स्टेट्स के बारे में जो पहली बार जो चीजें हो रही हैं वो आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट ऐप है, गढ़तांग वैली का ब्रिज ओरी ओपन कर गया है, फन पार्क बनाया है, प्लस यहाँ एक हर्बल पार्क भी बना है चमोली माना में, एक हर्बल पार्क भी बना है। देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाटर विलास, तो वाटर विलास बनाए जाएंगे, कहाँ पर बनाए जाएंगे, लक्षद्वीप में, जिसकी वजह से वहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि वहाँ पर का जो जहाँ का इन्वायरमेंट पे बहुत इसका बुरा इफेक्ट होगा। लक्षद्वीप की आपकी कैपिटल कौन सी है, करावती, और गवर्नर उसके प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। देन द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज कर दिया गया, अब वो किन के नाम पे है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम पे हो गया है। नेक्स्ट द अपॉइंटमेंट कमेटी, कैबिनेट ने डिसाइड करा है द अपॉइंटमेंट ऑफ दृष्टि बैनर्जी एज द डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो ZSI है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहली बार उसकी एक वुमेन डायरेक्टर बनेगी 100 साल के बाद, जिनका नाम है दृष्टि बैनर्जी। ये इसका फाउंडेशन ईयर है 1916, हेडक्वार्टर्स हो गए आपके कोलकाता। अब ये कुछ वन लाइनर्स करंट अफेयर हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में कवर कर लेंगे, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। तो कोंकण एक्सरसाइज हुई है, कोंकण एक्सरसाइज के बीच में इंडिया और US के बीच में, और इसमें इंडिया की जो शिप है INS तबर ने पार्ट लिया था।
नेक्स्ट कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स, तो ये बुक का नाम है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन, किसने लिखी है, तरुण बसु। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास ने मैन्युफैक्चर करी है न्यू बोल्ट, तो न्यू बोल्ट क्या होगी, जैसे व्हील चेयर होती है व्हील चेयर के अंदर ही आपका एक बाइक टाइप का सिस्टम ऐड कर दिया जाएगा जिसकी वजह से आप उसको ड्राइव कर सकते हो। ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, एक तरीके की ई व्हील चेयर है ये, और इसकी रेंज आप 25 से याद रख लेना, मैक्सिमम स्पीड इसकी 25 है और जो एरिया कवर कर सकती है चार्ज में वो भी 25 है। देन द वर्ल्ड वाटर वीक था आपका 23 से 27 अगस्त, जिसमें मोटो था बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर। देन द वर्ल्ड मॉस्किटो डे बनाया जाता है 20 अगस्त को, और ये बनाया जाता है जिससे मलेरिया को हम एंड कर सकें, ये इसका मोटो है। 19 से 25 अगस्त को था संस्कृत वीक और 22 अगस्त को संस्कृत डे था, तो दोनों अलग अलग याद रखना। 1900 ये आपका संस्कृत वीक के बीच में ही आपका क्या पड़ रहा है, संस्कृत डे पड़ रहा है। देन 20 अगस्त को हमारा था सद्भावना दिवस, ये राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। उसके बाद 21 अगस्त को था सीनियर सिटीजन डे। देन यूनाइट अवेयर, तो एक मिशन लॉन्च हुआ था यूनाइट अवेयर, किसने लॉन्च करा था, तो एस जयशंकर ने लॉन्च करा था जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, और किसके लिए, यूनाइटेड पीस कीपर्स जो फोर्स है उनको फैसिलिटेट करने के लिए करा गया था। देन ये भी एक बुक है द हाउस दैट जी बिल्ट, इसको किसने लिखा है, सुरभि दहिया, तो सुरभि दहिया रोड द हाउस दैट जी बिल्ट। फिर ये वही वाला जो आपका गड़तांग वाली का जो ब्रिज है उसको रीओपन कर दिया गया है 59 ईयर्स के बाद। अगर आया ये कहाँ है, तो ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। देन फेसबुक लॉन्च स्मॉल बिजनेस लोन, तो फेसबुक ने एक पहल लॉन्च करी जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन्स, तो छोटे बिजनेस को लोन्स मिल पाएंगे। जैसा आपका आ जाता है कि ओनम फेस्टिवल कहाँ का है, केरल का, वैसे ही आपका एक वांगचुआ फेस्टिवल है, तो वांगचुआ फेस्टिवल कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, आसाम को। देन ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जहर अल बहर, तो जहर अल बहर वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कतर, ये सेकेंड एडिशन है। पूछ भी लेते हैं कि कहाँ पर हुआ था, तो पर्जियन गल्फ में हुआ था जहर अल बहर। देन दिल्ली एंड चंडीगढ़ में पहला ईवी फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन चुका है जो फेम वन स्कीम के अंदर आता है। फेम वन स्कीम फैसिलिटेट करती है आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको। देन द स्टेडियम ऑफ पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वाले स्टेडियम को रीनेम कर दिया गया है ओलंपियन नीरज चोपड़ा के नाम के बाद, तो अब स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम हो जाएगा। ऐसे ही राजकीय बाल विद्यालय जो आदर्श नगर दिल्ली में है उसको रीनेम कर दिया गया ओलंपियन रवि कुमार धैया के नाम पे, तो इन रेसलर के नाम पे इनका नाम हो गया था। देन ओनम फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन केरला, ओनम फेस्टिवल का आपका स्टेट। देन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी नैरोबी में, तो नैरोबी में ये हुई थी और इसमें जो लॉन्ग जंपर है शालिनी सिंह उनको मेडल मिला था गोल्ड। देन NTPC ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, NTPC ने इंस्टॉल करा है 25 मेगावाट का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कहाँ पर हुआ है, तो सिमाद्री में थर्मल स्टेशन में हुआ है आंध्र प्रदेश में, तो ये विशाखापट्टनम में पड़ता है। तो जो ये आपका सिमाद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देन बैटलफील्ड जो किताब है उसको राइट करा था विश्रम अम्बेडकर ने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील जो आपकी बनी है वो बनी है स्वीडन में, तो इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं बना है इसको मैन्युफैक्चर करते हुए। देन आपका युक्त धारा पोर्टल इज लॉन्च्ड टू असिस्ट ग्राम पंचायत इन जियोस्पैटियल प्रोग्रामिंग पोर्टल टू असिस्ट मनरेगा। अब आपको इसमें ये याद रखना है, एक तो नाम याद रखना है, क्या है इसका नाम, युक्त धारा पोर्टल, किससे लिंक है ये, मनरेगा स्कीम से लिंक है, तो जैसे मनरेगा में जब काम करवाएंगे तो जियोस्पैटियल प्लानिंग से करवाएंगे, मतलब जियो टैग हो जाएगा, लोकेशन वगैरह का पता लग जाएगा, उस वजह से ये युक्त धारा पोर्टल बना है।